नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के हवाला कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई, 84 लाख की नकद बरामद, कई जगहों पर छापा। बुटीबोरी की महिला की अमरावती में मिली लाश, लाश के पास ही मिले महिला के दो बच्चे, पुलिस कर रही है जांच। और गणेशपेट स्थित एम्प्रेस मॉल के हुक्का पार्लर पर पुलिस कार्रवाई, संचालक सहित 38 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इतवार स्थित मुख्यालय भूतड़ा चैम्बर से 84 लाख की हवाला की रकम जब्त करने की जानकारी सामने आ रही है। यह कार्रवाई डीसीपी जोन 3 के तहत की गई। शुक्रवार को दोपहर से शुरू हुई इस कार्रवाई में देर रात तक कई स्थानों पर दबिश देकर 84 लाख रुपए की नकद बरामद किए जाने का पता चला है। अचानक की गई इस कार्रवाई के कारण हवाला कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। इस कार्रवाई में नकदी के बरामदगी होने से पुलिस ने आयकर विभाग को भी मौके पर तलब कर लिया। देर रात तक पुलिस और आयकर अधिकारी हवाला कारोबारियों पर छापा मार। कार्रवाई के दौरान तैनात पुलिसकर्मी जांच में जुटे हुए थे। नागपुर के बुटीबोरी से गुम हुई महिला की लाश संदिग्ध स्थिति में अमरावती शहर के शिवाजी कृषि महाविद्यालय के पीछे पुरानी इमारत के पास मिली है, जिसके पास से दो छोटे बच्चे भी मिले हैं, जिन्हें गाड़गे नगर पुलिस ने चाइल्डलाइन की कस्टडी में दिया है। मृतक बुटीबोरी निवासी तनुश्री सागर करलू के बताई गई। महाविद्यालय के पास लाश मिलने की खबर के बाद गाड़गे नगर पुलिस थाने के थानेदार आसाराम चोरमले दलबल के साथ वहां पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा किया तो महिला की लाश के पास एक 10 माह की बच्ची खेल रही थी। महिला के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और ना ही उसके मुंह से फेस निकला। आखिरकार किन कारणों से महिला की मौत हुई, यह छानबीन चल रही थी कि जिसके कुछ देर बाद 4 वर्षीय बालक भी वहां आया, जिसने खुद का नाम रुद्र बताया, जबकि मृतक महिला उसकी मां तनुश्री है। वहीं बच्ची केतकी 10 माह की है। उसका परिवार गौड़खेड़ा बुटीबोरी में रहता है। पिता सागर करलुके से किसी बात को लेकर झगड़ा होने से मां तनुश्री उन्हें लेकर यहां आई, लेकिन तनुश्री की मौत किन कारणों से हुई, यह रहस्य बना रहा। थानेदार आसाराम चोरमले तत्काल वहां से नागपुर के बुटीबोरी रवाना हुए। यहां पुलिस पाटिल की मदद से महिला के परिवार को ढूंढ निकाला। महिला के पति सागर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पति पत्नी हाथ मजदूरी करते हैं। पारिवारिक कारणों से गुरुवार को दोनों के बीच शाब्दिक विवाद हुआ, जिसके बाद अचानक तनुश्री दो बच्चों के साथ लापता हो गई। सागर ने इस बारे में बुटीबोरी थाने में लापता की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस उसे लेकर अमरावती आई है। तनुश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण ज्ञात होगा। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। नागपुर के गांधी सागर के एम्प्रेस मॉल में चल रहे हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारकर उसके संचालक सहित 38 लोगों को पकड़ा है। एम्प्रेस मॉल की तीसरी मंजिल पर द हाइड लॉज एंड रेस्टोरेंट है। डीसीपी गजानन राजमाने को बुधवार की रात यहां हुक्का पार्लर चलाए जाने का पता चला। उनके निर्देश पर गणेशपेट पुलिस ने रात 9:40 पर वहां छापा मारा। पुलिस को पार्लर के संचालक योगेश नारायण किरणापुरे तथा उसका भाई वैभव किरणापुरे लोगों के साथ हुक्का पार्टी करते हुए मिल गए। पुलिस के किरणापुर बंधु, उनके मित्र, ग्राहक तथा कर्मचारियों सहित 38 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकांश लोग हुक्के के साथ शराब का भी सेवन कर रहे थे। पुलिस सभी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पार्लर से 19,000 रुपए हुक्का शराब बरामद की गई। पकड़े गए सभी लोगों की मेडिकल जांच कराई, उनमें से कई नशे की अवस्था में मिले। पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। सक्करदरा थाना अंतर्गत दहेज के लिए शादी से इनकार करने वाली युवती को उसके मंगेतर ने सोशल साइट पर परेशान करना शुरू कर दिया। इससे पहले युवती को शादी का वादा करके
पचमढ़ी ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम सक्करदरा निवासी राहुल अमृत खरे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता और राहुल एक ही बस्ती में रहते हैं, लेकिन फेसबुक पर उनकी पहचान हुई। राहुल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेक्नीशियन है, जबकि पीड़िता जिम ट्रेनर के तौर पर नौकरी करती है। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर जल्द ही प्रेम संबंध बन गए। आरोप है कि राहुल ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया। पीड़िता मान गई और परिवार वालों को मना लिया। दोनों के घर वालों ने शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद राहुल और पीड़िता के बीच मिलना जुलना बढ़ गया। कुछ दिनों बाद अभिषेक पीड़िता को घुमाने के बहाने पचमढ़ी लेकर गया और वह होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। लौटने पर दोनों के परिवार वाले शादी की तारीख निकालने की बात करने लगे। बताया गया कि राहुल के घर वालों ने 2 लाख रुपए का दहेज मांगा। दहेज की बात सुनकर पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया। इससे अभिषेक नाराज हो गया और सोशल साइट्स पर पीड़िता के प्रोफाइल पर भद्दे भद्दे कमेंट करने लगा। ऐसा करने से रोकने पर वह पीड़िता को धमकियां देने लगा। अंत में परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ उमरेड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता 15 वर्षीय उमरेड निवासी कक्षा 10वीं की छात्रा है। कोविड के चलते स्कूल बंद होने से ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसके परिजनों ने उसे मोबाइल दिलाया। इस दौरान जून 2020 से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आरोपी आसिम खान चांदनी चौक दरगाह के समीप अमरावती निवासी ने झूठी आईडी बनाकर पीड़िता से दोस्ती बनाई। जून 2020 से 30 नवंबर 2021 तक दोनों के बीच बातचीत व वीडियो कॉलिंग का सिलसिला जारी था। आरोपी आसिम खान ने पहले पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का वादा भी किया। इस दौरान आरोपी पीड़िता पर न्यूड वीडियो बनाने का दबाव डालने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को वीडियो बनाकर भेजने पर मजबूर किया। वीडियो कॉल के जरिए खुद भी नग्न होकर अपने वीडियो पीड़िता को भेजे। इस बीच कुछ पॉर्न वीडियो भेजकर इस तरह शारीरिक संबंध बनाने अमरावती आने का पीड़िता पर दबाव डालने लगा। पीड़िता के वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर उसे बदनाम करने और माता पिता को जान से मारने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा। इस घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। अंततः पीड़िता ने सारी हकीकत अपने पिता को बताई। पीड़िता के पिता ने उसी दिन उमरेड पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी आसिम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। यही वजह है कि अब शहर सहित पूरे जिले में वैक्सीन की मुहिम तेज हो गई है। जिले भर में कोरोना वैक्सीन के 50 लाख से अधिक डोज अब तक लगाए जा चुके हैं, जिनमें पहले व दूसरे डोज का समावेश है। जिले भर में चलाए जा रहे हर घर दस्तक अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिलने के चलते वैक्सीनेशन में तेजी भी आ गई है। जिले में अब तक 50.02 लाख से अधिक डोज लग चुके हैं। इनमें पहला डोज लेने वाले का प्रतिशत 88 है, सिटी में 92.64 और ग्रामीण भागों में 82.44% नागरिकों ने डोज लिया है। पहला डोज लेने वालों की संख्या 32.42 लाख है
और दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 17.60 लाख है। सिटी और ग्रामीण भागों में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागों में प्रत्येक घर में भेंट देकर वैक्सीन लगाई जा रही है। 24 नवंबर तक इसके तहत 5.36 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें पहला डोज वाले 2.36 लाख और दूसरे डोज वाले 3 लाख नागरिकों का समावेश है। वैक्सीनेशन का 100% टारगेट पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण भागों में और महानगर पालिका की ओर से सिटी में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने पिछले 2 वर्षों से छात्रों को भारी शैक्षणिक नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अब जबकि स्कूल शुरू हो गई है तो एसटी कर्मचारियों की हड़ताल से उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। एसटी बस सेवा बंद होने के कारण रामटेक तहसील के आदिवासी बहुल लोधा, सीतापार, छवारी, दुलारा, नवेगांव, बेलदा, हिवरा, बाजार, सालई, घोटी, पौनी, सावंगी, खरपड़ा, अंबाझरी, पथरई, इन आदिवासी क्षेत्र के अलावा अन्य परिसर के छात्र अब सवाल कर रहे हैं कि बस सेवा कब शुरू होगी। अपने अपने गांवों में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए करवाही, बेलदा और देवलापार जाना पड़ता है। इसलिए मानव विकास कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई नीली बस इन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी थी, परंतु हड़ताल के कारण अब विद्यार्थियों के शिक्षा के दरवाजे बंद होने से अब यही छात्र गांव में मजदूरी के काम पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इस क्षेत्र में कई जगह मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी है। चाहे वह स्मार्टफोन ही क्यों न हो, नेटवर्क के अभाव में छात्र ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर दीपावली की छुट्टियों के बाद स्कूलों में कंपोनेंट टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट जैसी परीक्षा ली जाती है। हालांकि ठीक परीक्षा के दौरान बस सेवा बाधित होने के कारण छात्र शिक्षा से वंचित हैं। साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों के कई छात्र विकल्प की कमी के कारण कृषि और अन्य कार्यों के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं। इन सारी बातों में यदि बस सेवा के अभाव में सबसे अधिक किसी का नुकसान हो रहा है तो इन छात्रों का। विदर्भ राज्य पार्टी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम महाराष्ट्र के नेता विदर्भ के साथ द्वेष रखते हैं। यह एक बार फिर साबित हो गया है। उस पर भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विदर्भ के 62 विधायक होने के बाद भी उनमें एकता नहीं है और वे विदर्भ पर अन्याय करने वालों के खिलाफ मुंह खोलने में असमर्थ है। एक बार फिर मुख्यमंत्री के ऑपरेशन का कारण बताकर नागपुर में शीत सत्र का आयोजन रद्द करने के निर्णय पर विदर्भवादियों में रोष देखा जा रहा है। विदर्भ राज्य पार्टी के अध्यक्ष अरुण केदार ने कहा कि लगातार दूसरे वर्ष कोरोना की संभावित तीसरी लहर और सीएम के ऑपरेशन का कारण बताकर उपराजधानी से शीत सत्र को मुंबई ले गए। विदर्भ से सत्र होने से यहां की जनता की समस्याओं पर चर्चा होती थी। ऐसा लगता है कि मुंबईया सरकार ऐसा चाहती ही नहीं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसलिए यहां से सत्र को रद्द किया क्योंकि उसे पता था कि विदर्भ की जनता विविध समस्याओं को लेकर उसे आड़े हाथ लेगी। केदार ने दावा किया है कि नागपुर में शीतकालीन सत्र नहीं कराने की योजना महाविकास आघाड़ी के नेताओं की पहले से ही थी। पहले विदर्भवादियों को शांत रखने के लिए 7 दिसंबर की तिथि घोषित की। उसके बाद यह कहा गया कि 22 दिसंबर को सत्र लिया जाएगा और उसके बाद सीधे रद्द ही कर दिया गया। यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण और विदर्भवासियों पर अन्याय है। नागपुर करार का उल्लंघन किया जा रहा है। उससे भी गंभीर बात यह है कि मृतक विदर्भ के नाम पर राजनीति कर चुनाव जीतने वाले विधायक भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिनमें विपक्ष के नेता का भी समावेश है। विदर्भ में 6 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल है, लेकिन किसी भी प्रशासकीय कार्यों के लिए अधिकारियों सहित विद्यार्थियों को मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई में वैद्यकीय संचालक कार्यालय में चक्कर लगाने से एक ओर जहां समय की बर्बादी होती है, वही दूसरी ओर पैसे भी खर्च होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए अब सरकार ने नागपुर में सहसंचालक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। राज्य में 20 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में से 6 महाविद्यालय विदर्भ में हैं। इनमें अकोला, यवतमाल, चंद्रपुर, गोंदिया और नागपुर के मेडिकल व मेयो का समावेश है। सभी अस्पतालों में करीब 1000 बिस्तर हैं, वही 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इसी तरह 1,500 से अधिक निवासी डॉक्टर और 4,000 नर्से हैं। प्रशासकीय कार्यों के अलावा विद्यार्थियों को भी मुंबई जाना पड़ता है। अब वैद्यकीय सह संचालक का विभागीय कार्यालय खुलने से काफी राहत मिलेगी, साथ ही समस्याओं का निराकरण भी समय पर हो सकेगा।
इसके लिए जल्द ही सहसंचालक की नियुक्ति की जाएगी। वैद्यकीय शिक्षा व अनुसंधान विभाग का सहसंचालक कार्यालय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू किया जाएगा, लेकिन सहसंचालक को लेकर अभी से उत्सुकता बढ़ गई है। सरकार द्वारा विदर्भ से ही किसी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।